हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। आज मैं आपको डैंड्रफ के बारे में बताने आ रहा हूँ। तो डैंड्रफ में कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाता है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। ये किस किस के कारण होता है? फर्स्ट कारण है कि हमें गर्म पानी से आपने सिर धो दिया, उसके कारण आपका डैंड्रफ हो गया, स्किन ड्राई हो गई। और एक और कारण से, अगर एकदम ही ठंड चल रही है और एकदम ठंडे पानी से भी धो दिया, तो उसमें से भी जो स्किन होती है वो ठंडे पानी से भी हीटअप हो जाती है, डैमेज हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करने लगती है उस पोर्शन को करने, तो डैमेज हो जाती है। तो इस वजह से भी ज़्यादा ठंडे से भी धोगे तभी भी आपके डैंड्रफ हो सकता है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बंदे कहते हैं कि ऑयल लगा दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑयल लगाते हो तो क्या होते हैं। आपके बॉडी में वैसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सेक्रिएशन करते हैं, ठीक है। ऑयल आपने अपनी मतलब उसे स्कैल्प में और वैसे भी जनरेट होता है, ठीक है। तो आप अपने पूरे के पूरे सिर में ऑयल थोक देते हो, ठीक है। आपने थोका अपने सिर में ऑयल, ठीक है ना। तो जितने भी आते हैं वैसे ही ऑयल होता है, तो और ऑयल आपके उसमें होता है तो स्किन एब्जॉर्ब करने लगती है, और ये पूरा का पूरा ऑयल फेस में जहाँ तक जा सकता है, जिस क्वान्टिटी में आप ऑयल लगाते हो उस क्वान्टिटी में आपके फेस वगैरह में पहुंच जाता है। उससे आपको एक्ने पिंपल होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और आप अगर देखोगे ऑयल कंटिन्यू लगाओगे, ऑयल के ऊपर ऑयल लगाओगे, तो आपके यहाँ तक सिर में भी जो हेड होगा वहाँ पे भी आपके पिंपल निकल आएंगे। आपको भी करना है, रियलिटी है, ठीक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है। पहला सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, आप कंघी यूज़ करना, और कंटिन्यू ना जहाँ जहाँ पे डैंड्रफ होगा ना वहाँ पे कंघी की जो नोक होती है ना उसे कंटिन्यू करते रहना ऐसे करके कंघी, तो डैंड्रफ कंटिन्यू आपका निकलते रहेगा। इसे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करना है, ठीक है। उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद नॉर्मल ऐसे ऐसे करना है, बस 3 दिन करना है। आपका धीरे धीरे करके डैंड्रफ निकल जाएगा, और इसे 3 दिन करके आप वो से क्या कहते हैं देखोगे स्कैल्प करना है, जितना कंघी डैंड्रफ निकालेगी ना उतना आपका देखना झड़ते रहेगा, ठीक है। फिर कुछ नहीं होगा आपको, थोड़ा बहुत उसके बाद फिर वो करना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका हाई होगा, प्लस जो आपके जो डेड स्किन होगी ना वो कंघी की वो होती है ना, तो उसमें से कंघी निकाल देगी, नाखूनों से अच्छा काम करती है कंघी। तो आपके धीरे धीरे करके पोर्शन करना, 10 मिनट तक इसे कंटिन्यू करना है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी होगा। आपके हेयर की जो होगी ना, अगर आपके हेयर में कुछ न्यूट्रिशन का कमी हो गया कुछ भी, तो वो भी आपका पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। बस आपको इसे कंटिन्यू करना है 3 दिन, उसके बाद गैप करना है 3 दिन का, फिर 3 दिन फिर से कर देना है। आपको पूरे के पूरे हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होगी, हेयर स्ट्रांग भी होंगे, प्लस जितना भी होता है हेयर की जो थिकनेस होती है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।